हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे सलवार का नाप कैसे लेते हैं। पूरा मेजरमेंट आपको बताएंगे कि सलवार का नाप कैसे लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सलवार का नाप लेने के लिए हमें सलवार को पूरा बिछा लेना है, ऐसे एकदम सीधा। मैंने इसे आयरन किया है। अगर सही नाप लेना है तो आपको भी अपनी सलवार को आयरन कर लेना है। उसके बाद प्रेस करने के बाद सीधा बिछा के ऐसे अब इसका नाप लेना है। लेंथ नापते हैं। देखिए, लेंथ हम ऊपर से नापेंगे, कमर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके एकदम इसको खींच के पकड़ना है कपड़े को। लूज़ नहीं होना चाहिए, लूज़ हो जाएगा तो हमारा मेजरमेंट बिगड़ सकता है, इसलिए इसको पूरा खींच के पकड़ना है बिल्कुल नीचे तक। ये देखिए, ये हमारी लेंथ आ रही है 37 इंच पे। देखिए, लेंथ है 37 इंच। कमर का नाप 17.5 इंच है। इस सारे मेजरमेंट को हमें एक डायरी में या फिर किसी पेपर में नोट करके रखना है, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो हम मेजरमेंट दोबारा भूल जाते हैं, इसलिए हमें सारा मेजरमेंट नोट करके रखना है। अब ये बेल्ट की चौड़ाई थी, देखिए 17.5 इंच कमर, और ये है बेल्ट की लेंथ 6 इंच। बेल्ट की लेंथ है 6 इंच। अब हम अपना आसन नापेंगे। देखिए, आसन ऐसे नापते हैं। आसन का नाप हम ऊपर से लेंगे, ये हमारी सिलाई है, जहाँ से वहाँ से एकदम सीधा खींचकर अपना आसन हम ऐसे लाएंगे और ऐसे। ये देखिए, हमारा 14.5 इंच पर आ रहा है आसन, तो हमारा आसन है 14.5 इंच। अब हम सलवार की मोरी नापेंगे। ये है मोरी, इसे मोरी कहते हैं। यहाँ से ऐसे इंची रखेंगे और ऐसे हमारी मोरी 6 इंच पर आ रही है, तो 6 इंच हमारी मोरी है। बस इसमें 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, ऊपर का हिप और इसका आसन, इसकी मोरी और लेंथ। बस इसी से ही पूरी सलवार का मेजरमेंट अच्छे से बन जाता है। हमने अपनी पूरी सलवार का नाप ले लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आए नाप लेने में, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसमें आपको मदद कर सकती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।